अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन। तो आज हम यूनिट 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ऑप्टिकल ये ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूनिट 13। इसके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता दूं। जैसे पहला टॉपिक जो है इसका वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, शुरू के हाईलाइट नहीं हुई लेकिन लिखी हुई ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये पहला टॉपिक। दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर थ्री जो है वो स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। पेज नंबर 64 पे जो ऊपर ये हाईलाइट हुए दो पॉइंट लिखे हैं, ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, इनको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा। ये पूरी स्टेटमेंट आपने लिखनी है जो पूरी लिखी हुई है नीचे तक। ठीक है, जहाँ तक लिखा जैसे आसन नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये भी है इम्पोर्टेंट, पेपर में आता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक कौन सा है? और ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी देख लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन कौन से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और इनको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। और नहीं एंड होगा ये, ठीक है, एंड इसलिए कि एंड ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और आगे जो है यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो इम्पोर्टेंट है। यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर हो सके तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी याद कर लीजिएगा, इनका डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, वैसे इन चीज़ों को देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा एक पॉइंट देख लीजिएगा। बाकी ये पांच टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होंगे इंशाल्लाह पेपर में आएंगे आप। बाकी सबको पढ़ लीजिएगा लेकिन इनको पक्का कीजिएगा, बिल्कुल इनके आंसर बन जाएगा, ये इंशाल्लाह आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।